हम भारत के लोग स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुता इन सब पर आधारित इस संविधान को अंगीकार करते हैं तो ये संविधान को मिटाना चाहते हैं। लेकिन हम भारत के लोग, बहुजन समाज के लोग, 85% के लोग संविधान को मिटने नहीं देंगे। वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या अच्छे दिन आ गए? 15 लाख सभी के गरीबों के खाते में आएंगे। क्या किसी के खाते में 15 रुपए भी आए हैं? अब जब 15 रुपए भी नहीं आए हैं, गरीब समाज के बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही है, न्यायालय में न्याय नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। मैं रामकिशोर बौद्ध, और कहना ये है कि हमारा भारत देश बिक रहा है। इसमें रेल भी बिक रहा है, तेल भी बिक रहा है, हॉस्पिटल भी बिक रहा है, शिक्षा भी बिक रही है, रोजगार है नहीं, गरीबी आ गई है, महंगाई आसमान छू रही है। तो इस देश में आज जो सरकार चल रही है, भारत सरकार में जो प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री भारत के कहे जाते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको RSS ने पावर तो दिया, पद तो दिया है, लेकिन पावर नहीं दिया है। और वो अपने को OBC कहते हैं और OBC का ही गला काटते हैं। आज 1931 से लेकर भारत में जातिगत OBC की जनगणना नहीं हुई है, तो मोदी जी ने ही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एक हलफनामा दे दिया और कहा कि मैं OBC समाज की जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, भारत में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, तरह तरह के बैंक काम कर रहे हैं, उन बैंकों में जो कैश पड़ा है उसमें 100 का नोट भी है, 50 का नोट भी है, 20 का, 10 का, 5 का, 1 का भी है और 2000 का भी है। तो वो नोट अगर कोई कैशियर बैंक में ये कहे कि मैं और नोट तो गिनूंगा, मैं 2000 के नोट को काउंटिंग नहीं करूंगा, अगर वो काउंट नहीं करता है तो उसमें पूरा कैश कैसे डेकोरेट होगा, कैसे पता चलेगा कि हमारा फुल कैश कितना है? जातिगत जनगणना तो अगर हो जाती है तो वोट बढ़ जाएंगे। जातिगत जनगणना वोट बट नहीं जाएंगे, वोट बढ़ जाएंगे। वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय कांसीराम साहब कहते थे तो ये चलाना चाहते हैं। और RSS का ये फंडा है, RSS का फंडा है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, RSS का जो 3-4 तरह का फंडा है, पहले वो करते हैं सहारा, फिर करते हैं इशारा, और फिर करते हैं किनारा, और बाद में करते हैं नकारा। तो ये चारों पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। मोहन भागवत जी ने इनको पद दिया है, पावर नहीं दिया है। तो पहले सहारा, 5 किलो राशन पर हमारा देश डिपेंड कर दिया है, तो वो हो गया सहारा। फिर कर दिया इशारा, वोट BJP को दो, अच्छे दिन आएंगे। और जब आया तीसरा पॉइंट किनारा, तो किनारा का मतलब है जब कोरोना की महामारी चल रही थी देश में और हमारे देश में बहुत भयंकर हुआ था, तो मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ। तो कोरोना का कोई मनुष्य तो था नहीं जो कहीं जाकर गंगा जमुना में कूद जाता और मर जाता, वायरस था। तो जैसे हमारे लोग कुछ अंधविश्वासी होते हैं समाज में, तो उन्होंने उनके कहने पर ताली बजाई, थाली बजाई, दिए जलाए, सब कुछ किया, और सब कुछ करने पर भी कोरोना बढ़ता रहा, हमारे लोग मरते रहे। तो मोदी जी कहते हैं कोरोना की जंग जीतेंगे, बहनों भाइयों आप हमारा साथ दो, हम कोरोना की जंग जीतेंगे। तो उसमें किनारा कैसे कर लिया? अब हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं है, हमारा जो ऑक्सीजन था वो तो बाहर को भेज दिया, और यहाँ का ऑक्सीजन ख़त्म करने के बाद जब महामारी आ गई तो उन्होंने कह दिया हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, किनारा कर लिया, और फिर कर दिया नकारा। मोदी जी की सरकार में ये इतिहास लिखा जाएगा और ये पूछा जाएगा, आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि मोदी जी नाम के एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम इस देश को अच्छा बना देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, गरीबों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो इन्होंने
उसमें 50 लाख लोगों को मार दिया, बच्चे भी मरे, बूढ़े भी मरे, महिलाएं भी मरी, और सब मर के तो कर लिया किनारा और हो गए नकारा। अब हमारे देश को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं? भारत नाम से इस देश में इनको चिढ़ होती है, तिरंगा झंडे से इनको चिढ़ होती है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से इनको चिढ़ होती है, और ये पिघल जाते हैं बर्फ की तरह, और ये कहते हैं कि ये समाज कर क्या रहा है। तो ये तो समाज 85% के लोग अब बुद्ध के रास्ते पर चल पड़े हैं। बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में जब 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, और उस दूसरे दिन 15 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों को दीक्षा देकर 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी, उस दिन क्या मोहन भागवत जी कहीं गड्ढे में डूब गए थे? उस दिन क्यों नहीं बोले थे? क्यों नहीं बोले थे? और संविधान लागू होने के बाद इन्होंने आरएसएस ने तीसरे दिन कह दिया था मैं इस संविधान को अपना संविधान नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? पूरा देश बच्चा बच्चा मानेगा, ये नहीं मानेगी। ये कहते थे कि इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, इसमें 85% 90% वालों के लिए है, इसलिए हम संविधान नहीं मानेगी। अब तो नया संविधान ही बनकर तैयार हो गया। नया संविधान जो बन रहा है वो संविधान तो उसको कहना ही नहीं चाहिए, वो है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में सीधा सीधा लिखा है नारी शूद्रो शिक्षाम न धीयताम, नारी और शूद्रों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। तो ये आरएसएस, इसके हेड जो है मोहन भागवत जी, इस देश में पुनः मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। बन गया है, लेकिन इस देश को ये 85% का समाज देख रहा है। और मैं आपको इसी संदर्भ में एक शेर और पढ़ देता हूँ। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये संविधान खूब बना लें। मनुस्मृति है उसको हम संविधान नहीं कह सकते, संविधान तो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने हमको दिया, और उसमें हमारे 85% के लिए सभी हक अधिकार हैं। आज उन पर ही हमारा डांका पड़ रहा है, हमारे सभी अधिकार छीने जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर में, हाई स्कूल में, इंटर में, यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालयों में, हमारे क्या कारण है कि बड़े बड़े पदों पर जो है बहुजन समाज नजर नहीं आता है? बड़े बड़े पदों पर हमारा समाज इसलिए नजर नहीं आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में 25 हाई कोर्ट हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है, उनमें हमारा ओबीसी एससी बिल्कुल जजों पर पदों पर नहीं है। डी वाई चंद्रचूड़ जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक वो दे दिया गया है, ऐसा अधिकार दिया गया है जिसके तहत वो जजों की नियुक्ति करते हैं। तो हमारे जब कोलोजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, अभी हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी कहा है, 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन उन्होंने कहा है कि न्यायालय में जो जज बैठे हुए हैं वो न्याय नहीं करते, 20 सालों तक मुकदमा चलता रहता है। और हम जेलों का दौरा हमने जब विधायक थे उस समय किया था, तो गरीब समाज, बहुजन समाज जेलों में पड़ा सड़ रहा है, और ये जज ये न्याय नहीं करते, न्यायालय में न्याय नहीं होता, और वकील जो बने हुए हैं वो वकील उनके ज़मीनें बिकवा देते हैं, और उनके बर्तन बिकवा देते हैं, उनके कपड़े तक बिकवा देते हैं, और गरीब समाज को न्याय नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि हमारे लोग ऊंचे पदों पर ये जाने नहीं देते, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे अधिकार सब छीने जा रहे हैं। और ये मनुस्मृति लाकर हमारे देश को, हमारे समाज को बिल्कुल मिटाना चाहते हैं और हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। जी आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, कई भी पहले भी प्रोग्राम हुए, क्या इनसे लगता है कि समाज में जागरूकता आएगी? इससे हमारे समाज में जागरूकता थोड़ी नहीं आएगी, इससे हमारे समाज का बच्चा बच्चा जागेगा। और ये दिल्ली है, दिल्ली की आवाज़ पूरी दुनिया सुनती है और पूरा देश जानता है, तो यहाँ से पूरी देश में, दुनिया में आवाज़ जा रही है। रामलीला ग्राउंड ये नेशनल है या इंटरनेशनल
समुदाय के लोग वहाँ दुनिया में देखते हैं और यहाँ से ये प्रोग्राम होंगे और भविष्य में 2024 में जैसा इन्होंने किया है, हमारे लोगों को कोरोना के नाम पर मार दिया है, शिक्षा से वंचित किया है, रोजगार बंद कर दिए हैं और महंगाई आसमान छू रही है। जो सिलेंडर 450 रुपये का बिकता था आज वो 1200 रुपये का बिक रहा है, जो आटा 20 रुपये किलो बिकता था वो आज 35 रुपये किलो बिक रहा है, जो हमारे लिए जो सब्जियां होती थी जो 10 रुपये 5 रुपये बिकती थी वो आज 60 रुपये बिक रही हैं। तो इससे हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, असली प्रधानमंत्री तो मोहन भागवत जी हैं जो देश की बागडोर को अपने कंट्रोल में लेकर इस देश को मेटना चाहते हैं, हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, संविधान को छुएंगे, बहुत बड़ी क्रांति होगी, ये मैं इनको चेताना चाहता हूँ।